फतेहपुर में शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब शादी समारोह के दौरान अचानक पेड़ की डाल टूटकर गिरने से दूल्हे के दो भाइयों की मौके पर दबकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मौत के बाद किसी तरह शादी की रस्म जल्दी जल्दी पूरी करके बारात को विदा किया गया। बता दें कि बारात कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के तकीपुर से आई थी। थाना सुल्तानपुर घोष के अराया सादात गांव में शीतल प्रसाद के बेटी की बारात आई हुई थी, जहां पर बाराती बैठ करके खाना खा रहे थे। उसी समय एक पेड़ की डाल गिर गई। उस पेड़ की डाल से दो बाराती घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना सुल्तानपुर घोष पर आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लेने के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।